एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम शोमजीत और आज हम लोग द डीप वाटर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है, तो फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज पहले अगर फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं कि कैसे जो जब नरेटर सेंसलेस हो गए थे तो कैसे उन्होंने कंटिन्यू किया उस चीज को, उसके बाद क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर वॉज lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling, someone said. The kid nearly died, be all right now, let's carry him to the locker room. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slighted exertion upset me, making me wobbly in my knees and sick to my stomach. So, पहले पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैसे डायरेक्टर जो है YMCA के पूल में डूब जाते हैं और वो बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं और लास्ट में वो सेंसलेस हो जाते हैं। सो इस पार्ट में कहा गया है कि नेक्स्ट उन्हें जो याददाश्त जब उन्हें आई तब वो पूल के पास में वॉमिट कर रहे थे और उन्होंने तभी सुना कि किसी ने कहा कि आई वॉज जस्ट फूलिंग, मतलब मैं बस मजाक कर रहा था, बस फन के लिए था। मतलब उसी वो लड़का तभी भी वहां पे मौजूद था जिसने नरेटर को पूल में ही ढकेल कर फेंका था। फिर किसी ने कहा कि तुम मतलब ही वॉज नियरली अबाउट टू डाई, मतलब वो मरने ही वाला था लेकिन बच गया। फिर नरेटर को लॉकर रूम में लेके ले जाया गया, वहां पे बहुत टाइम रेस्ट करने के बाद फाइनली वो घर जाने लगा। तब वो बहुत ही वीक फील कर रहा था, बहुत ही फ्राइटेंड था, बहुत ही फियर, मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो कांप रहा था डर से। नरेटर कहते हैं कि वो रात को कुछ खा नहीं पाए थे क्योंकि वो डर बार बार उन्हें हॉन्ट कर रही थी। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. A few years later, when I came to know the water of the caskets, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. This handicap stayed with me as the years rolled by. So अब वो पुराना, I mean वो जो YMCA में हो जो incident हुआ था उसके बाद अब author जो है बहुत ज्यादा डर गए थे। अब इसके बाद मतलब उस इंसिडेंट के बाद वो कहीं भी वाटर, मतलब कोई भी रिवर के पास में हो या फिर कोई पूल में हो या फिर कोई लेक में हो, जब भी वो जाते थे तो उन्हें वो ही इंसिडेंट का जो एक फियर था वो हमेशा उन्हें हॉन्ट करता था और वो डर जो था वो जा नहीं रहा था उनके उनके दिमाग से या फिर उनसे, जिसके वजह से हर बार उन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होता था जब भी वो ऐसे जगह पर जाते थे। तो वो कहते कि सालों दर सालों, मतलब बहुत साले गुजर गए फिर भी ये फियर उनसे जा नहीं रहा था। इन एंड कैनोइज ऑफ ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर हैंडलॉक सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, फिशिंग ऑन द मिलोटियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. वो कहते हैं कि अब इस fear के वजह से ना वो swimming कर पा रहे थे, ना वो boating कर पा रहे थे, ना ही वो fishing कर पा रहे थे। जितने भी वो trips पे जाते थे अपने family के साथ या फिर दोस्तों के साथ, सारे trips बर्बाद हो जाते थे क्योंकि वही same डर उनको हर बार haunt करता था, जिसके वजह से वो बहुत ही मतलब पैरालाइज्ड फील करते थे। मतलब डर के वजह से उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week।
An hour each day, the instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and he went back and forth across the pool. Hours after hours, days after days, weeks after week. So, ऑथर बहुत कोशिश कर रहे थे अपने इस फियर से ओवरकम करने के लिए. उन्होंने हर एक रास्ता आजमाया और लास्ट में फाइनली अक्टूबर का मंथ था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रेनिंग लेंगे एक इंस्ट्रक्टर से. अब वो उनके इंस्ट्रक्टर जो थे उन्हें एक रस्सी के सहारे मतलब उनके उनको अटैच करके क्या बोलते हैं गाइड करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कैसे स्विमिंग करना है कैसे मतलब वो बहुत सारे सेशंस के द्वारा उन्हें मतलब उनके अंदर से वो फियर हटाने का कोशिश करते हैं. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my leg froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went. Hello everyone, I hope you guys are doing great and the episode till now has been a great help for you guys. And I am very delightful to share that I have a small and a helpful gift for you guys. ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ steps बता रहो, follow कर लो. तो कुछ नहीं है, एक YouTube का चैनल है जिसका नाम है शौमजीत, मजा करो, मेरा ही चैनल है, राइट? तो कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाना चैनल पे, मैंने यहाँ पर और यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखना, एक नोट्स का मैंने डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर. इस नोट्स में फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ दी लास्ट लेसन का है, ठीक है? तो अब देखो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, यहाँ पे लिंक फॉर नोट्स होगा. जैसे ही तुमने लिंक फॉर नोट्स को क्लिक किया एक पेज खुल जाएगा, राइट? एक पेज खुलेगा, खुल जा. यस, सो ये पेज आ गया, राइट? अब इस नोट्स में तुम्हारे सब कुछ इंटीग्रेट किया हुआ है. तुम्हारा समरी हो गया चैप्टर के, एनसीईआरटी चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सोल्यूशन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ है. सो मेरे तरफ से ये एक डेडिकेटेड सा गिफ्ट है आप सभी के लिए. इसमें सारे नोट्स है, सारे मेंशन किए गए हुए हैं. इस चीज़ का बहुत भरपूर मजा ली, यूजफुल है चीज़, डाउनलोड करो इसको, प्रिंट करो. थैंक यू एंड आई होप आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए. ओके, सो बैक टू द एपिसोड. अंडर वाटर फाइनली उनके जो इंस्ट्रक्टर थे बहुत अच्छा गाइड कर रहे थे उन्हें और धीरे धीरे दिन मतलब जैसे जैसे दिन जा रहा था अलग अलग ट्रेनिंग के द्वारा अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग के द्वारा वो ऑथर को सिखा रहे थे कि कैसे स्विमिंग करना है, कैसे टैक्टिक्स, कैसे स्ट्रैटेजीज लगाने हैं जिससे वो अपना फियर, अपने फियर को दूर भगा सके और वो एक मास्टर हो जाए स्विमिंग में. वो कहते हैं कि शुरू शुरू में बहुत ज्यादा डर लगता था. उन्होंने उनके इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि कैसे अंडर वाटर एक्सहेल करना है, फिर कैसे ऊपर आकर इनहेल करना है. सो ऐसे बिट बाय बिट वो सिखा रहे थे और बिट बाय बिट उनके उनका जो एक फियर था वो धीरे धीरे जा रहा था. नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग्स. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. एट फर्स्ट माय लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क but they gradually relaxed and finally I could command them. Thus piece by piece he built a swimmer and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can sweep, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke. So author कहते हैं कि अब धीरे धीरे वो सीखने लगे थे. अब next उनको सिखाया गया कि वो pool के side में मतलब किक विद माई लेग्स, तो वो भी एक काइंड ऑफ एक ट्रेनिंग सेशन था. मतलब अलग अलग टैक्टिक्स से उन्हें सिखाया जा रहा था, तो वो उन टैक्टिक्स को, उन लेसन्स को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते थे पूल में, जिसके वजह से ग्रेजुअली वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे मतलब उनके इंस्ट्रक्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था
मतलब हर एक स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था, जिससे ग्रेजुअली वो स्टेप्स लेकर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे अच्छा, मतलब वो अपने स्विमिंग के जो स्विमिंग का जो उनका स्किल था उनको वो मास्टर करने लगे थे। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वॉन्डर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन वेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर यू आर लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनादर लेंथ ऑफ द पूल। अब उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि अब तुम स्विम कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि तुम्हारा लेसन पूरा हो चुका है और तुम मास्टर कर लियो, तो अब तुम डाइव कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, क्रॉल कर सकते हो वाटर में, राइट? तो लेकिन फिर भी एक डाउट था नरेटर के, आई मीन ऑथर के दिमाग में कि क्या अभी भी लेसन पूरा हुआ है, क्या वो कॉन्फिडेंट थे? तो उन्होंने शुरू किया, वो जब भी उन्होंने जब शुरू किया पूल में अपना स्विमिंग का, मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे या फिर एग्जीक्यूट करने वाले थे अपने सारे लेसन्स को, तब शुरू शुरू में उन्हें एक टेरर, वो जो डर था वो फिर से हॉन्ट कर रहा था। लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंट थे, वो फियर को कह रहे थे कि तुम क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे डरा नहीं कर सकते हो। वो इसीलिए वो धीरे धीरे दूसरे दूसरे मतलब अलग अलग तरीके से वो स्विम कर रहे थे, मतलब कभी इस तरी कभी सीधा जा रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे थे तो कभी उस तरफ जा रहे थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई एंड आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू लेक इन हेमिस्फीयर, डाइव ऑफ अ डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्वैम एट आइलैंड। I swam and swam the crawl, breast stroke, side stroke, and back stroke. Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. अब जुलाई का महीना था, अभी भी मतलब 2-3 महीना हो चुका था, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इसलिए वो न्यू हेमिस्फेयर में जाते हैं जहां पर वो डाइव करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अलग अलग तरीके आजमाए अपनी स्विमिंग स्किल को जज करने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रॉल किया, उन्होंने साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया, तो वो अलग अलग तरीके से अपनी स्किल को जज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से जब वो टेरर, वो मतलब वो जो फियर आया, तो उन्होंने कहा कि देखो अब इस वक्त ऑथर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुका था। वेल मिस, वो कहता है कि वेल मिस्टर टेरर, मतलब वो टेरर को कहीं ना कहीं चैलेंज करते, वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे डरा सकते हो, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। वो कहते हैं कि इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, वो कहते हैं कि वो फियर भाग गया और मैं स्विमिंग को कंटिन्यू रखा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द ट्रेटन टू द कोनाड मेडो, अप द कोनराड क्रीक ट्रेल टू ग्लेशियर एंड क्रैम्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज यूज्ड टू डू। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. अब फिर भी उनके अंदर से वो डाउट जा ही नहीं रहा था, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा मास्टर कर चुके थे, तो वो चाहते थे कि वो फियर एकदम कंप्लीटली वैनिश हो जाए उनके अंदर से। तो डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं, कई मतलब अलग अलग रिवर्स में, अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग ग्लेशियर के वहां पे जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सारी जगह पे एक्सपेरिमेंट किया, वार्म वाटर के वहां पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि अब फाइनली वो फियर जो है वो अब वो मास्टर कर चुके थे। अब कोई भी फियर उन्हें पुट डाउन नहीं कर सकती है, वो अब स्विमिंग में एक मास्टर थे। द एक्सपेरिमेंट हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड All we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live
somehow grew in intensity. So इसी के साथ वो कंक्लूड करते हैं, वो कहते हैं कि जिन्होंने ऐसा फियर कभी फेस किया है वही एक्चुअली उनका जो पेन था, उनका जो जर्नी था, वो कैसे सीखे अपने फियर से, कैसे उन्होंने उस चीज को इम्प्रूव किया, कैसे उस फियर को उन्हें अपने अपने से भगाया, वो सिर्फ वही व्यक्ति वही इंसान कह सकता है जिन्होंने सेम काइंड ऑफ कोई इंसिडेंट फेस किया हो. वो लास्ट में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी कोट करते हैं, कहते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस जो है मतलब फियर कैन प्रोड्यूस, उससे हम लोग सीख सकते हैं. वो कहते हैं कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन द इंटेंसिटी, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, द फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर. अब वो बहुत ही खुश थे, ऑथर बहुत ही खुश थे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, वो अब फियर को चैलेंज कर सकते थे कि उन्होंने हर एक मिड जो भी इंसिडेंट हुआ था उससे उन्होंने गो थ्रू किया उस चीज. सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है. हम लोगों ने दो पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ा, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था. कैसे हम लोग इस चीज से बहुत सारे मोरल वैल्यूज भी हम लोग सीख सकते हैं कि हमें अपने लाइफ में कोई भी अगर फियर है तो उस फियर को हमेशा, उस फियर के ऊपर हमेशा विक्ट्री पा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो फियर हमारे साथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रह जाता है तो वो फियर काइंड ऑफ बढ़ जाता है. तो हम इस चीज से मतलब विलियम डॉगलस के स्टोरी से सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें किस तरीके से फियर को चैलेंज करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने लास्ट में किया. हमें एक्सपर्ट के एडवाइस, जैसे कि उन्होंने इंस्ट्रक्टर का मदद लिया, वैसे ही हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर गिव अप करने से पहले. सो थैंक यू, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सपोर्ट करो एंड लाइक करो अगर पसंद आया हो. सारे चैप्टर्स के नोट्स के प्लेलिस्ट अलग से बने हुए हैं, नोट्स को पढ़ो अच्छे से, समरी दिए हुए हैं उसमें. आई होप आपको सारी समरीज वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा हो, उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो. मैं लिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ चैनल का, जो प्लेलिस्ट है नोट्स का, आप देख लो वहां से. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप लिविंग.